अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गई होगी कि किस टॉपिक के ऊपर जो है आज की वीडियो है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है सीरीज़ चल रही है, 3 ODI सीरीज़ है और जिनमें से पहला हो चुका है, कल मैच था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, वो पहला मैच जो है पाकिस्तान जीत गई है और बाकी जो है अब कल मैच है पाकिस्तान का। और ये 3 सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद जो है फिर हमारे एशिया कप का मैच है, नेपाल से पहला मैच। बात करने से पहले आप मौसम देखे, ओए 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 भाई, काले बादल आ गए हैं। मैं तो कहता बारिश हो जाए, मज़ा आ जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। ओए 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 क्या मौसम हो रहा है। तो फिलहाल हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में जो है बात करते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग को इतनी ख़ास तो नहीं रही और हमारे शुरू के जो ओपनर्स थे सिर्फ इमाम उल हक चले, बाकी जो क्या नाम है नीचे से आने वाले बैट्समैन थे उन्होंने थोड़े बहुत रन बना लिए। शुरू में क्या नाम है फ़खर जमान भी आउट हो गए, फिर बाबर भी आउट हो गए, इमाम उल हक और इफ्तिखार अहमद की जो है बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली। उसके बाद इफ्तिखार अहमद जो है वो भी आउट हुए, उसके बाद फिर कौन आया था, शदाब खान। तो शदाब खान ने भी जो है अच्छी बैटिंग करी, इमाम उल हक के साथ पार्टनरशिप जमाई, लेकिन फिर इमाम उल हक भी जो है आउट हो गए। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खेला और 201 तक का जो है टारगेट दे दिया, ऑल टीम आउट हो गई थी। तो फुल मिला के जो पाकिस्तान की बैटिंग जो है, अगर शुरू में अगर ओपनर चल गए तो चल गए, क्योंकि हमारे पास मिडल ऑर्डर जो है सेट नहीं हो रहे। हाँ, रिजवान की बात तो हम भूल गए, मोहम्मद रिजवान ने भी बहुत अच्छा खेला, उन्होंने भी पार्टनरशिप अच्छी जमाई। और अफगानिस्तान जो है दिन बर दिन जो है ग्रो कर रही है। अब जो है अफगानिस्तान को हम छोटी टीम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके की उन लोगों ने बॉलिंग करवाई है ना, मज़ा आ गया भाई उनकी बॉलिंग को भी देखें। वो तो हमारी बॉलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करके आगे भी जो है ऐसे ही रहे हमारी बॉलिंग। अब हम बात करते हैं बॉलिंग की पाकिस्तान की, तो 59 पे जो है ऑल टीम आउट कर दिया अफगानिस्तान की। भाई अब हुआ सीन ये कि मैंने पाकिस्तान की पूरी बैटिंग देखी, मैं समझा भाई पाकिस्तान हार जाएगी। हुआ ये फिर मैं ईमान को जो है ना उसके बाद मतलब बैटिंग ख़त्म होने के बाद ईमान को ट्यूशन छोड़ने के बाद जो है मैं विलास चले गए, मैंने बोला पाकिस्तान तो हार जाएगी, देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद तकरीबन फुटबॉल वुटबॉल जो है मैं खेल कर आया 8:30 बजे तक, बहुत देर से खेला हम लोग ने ना, तकरीबन मगरब से तो हमने खेलने स्टार्ट कर दिया, इसलिए 8:30 बजे तक हमने खेला। तो फिर हम लोग आ गए घर पर ना, तो मैंने देखा अब क्या नाम है 59 पर ऑल टीम आउट कर दी भाई अफगानिस्तान की। उसके बाद मैंने क्या नाम है स्कोर शीट खोली तो हारिस राव भाई 5 विकेट ले गए। और हम पाकिस्तान की फील्डिंग के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान की फील्डिंग ख़तरनाक भाई, मतलब टेस्ट मैच से जो है उनकी फील्डिंग अच्छी हो रही है। श्रीलंका से जो हमारी सीरीज थी टेस्ट मैच की, वो भी हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान जो है मतलब उनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब अच्छी हो रही है माशाल्लाह से, और अल्लाह करके आगे भी ऐसे ही होती रहे। बाबर आजम ने LPL में जो है लंका प्रीमियर लीग में जो है उन्होंने भी मारी और 50 भी मारी थी। फिलहाल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो शाहिन शाह आफरीदी भाई पहला ओवर क्या करवाया उन्होंने, बैक टू बैक जो है विकटें भी ली और क्या हवा चल रही है यार, और थोड़ी थोड़ी जो है बूंदाबांदी भी हो रही है। हम चलते हैं स्कोर शीट दिखाते हैं आप लोग को कि किसने क्या करा है क्या नहीं करा है, तो चले स्कोर शीट में। सो गाइस, ये रहा आपके सामने स्कोर शीट। तो 47 ओवर में जो है पाकिस्तान ने 201 रन बनाए और 19 ओवर की दूसरी बॉल पे पाकिस्तान ने जो है ऑल टीम आउट कर दी अफगानिस्तान की। तो फिलहाल हम स्कोर शीट पर चलते हैं फिलहाल, और वही 142 रन से जो है हम लोग जीते हैं, अच्छी बात है। मतलब हम बहुत सीरीज़ बाद जो है हमने ऐसा खेला है 59 पर अल्टीम आउट कर दी, और 50 ओवर में 201 रन जो है बहुत कम होते हैं, 20 ओवर में बन जाते हैं भाई, 50 ओवर में तो बहुत अहम बात है। लेकिन पाकिस्तान वही बात है ना, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी हो गई है। तो ये रहा आपके सामने स्कोर बोर्ड, ये अफगानिस्तान का है।
गुरबाज ने जो है 47 बॉलों पे 18 रन बनाए, जरदान 6 बॉलों पे 0 रन बनाए, और ये पता नहीं शाह कौन है, नाम तो मुझे पूरा नहीं पता। तो फिलहाल ने एक बॉल पे जो है 0 रन बनाया, यानी पहली बॉल पे जो है आउट हो गई, बाकी आपके सामने दिख ही रहा है। और पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें हम, शाहिशाह आफरीदी 4 ओवर में जो है उन्होंने 2 मेडन करवाए और 9 रन दिए हैं और 2 विकटें ली। असीम शाह 5 ओवर में 12 रन दिए और 1 विकेट। हारिस रऊफ 5 विकटें ले गए, यूपी ने 6 ओवर की 2 बॉलों पे उन्होंने 18 रन दिए, 2 मेडन करवाए और 5 विकटें जो है ले ली उन्होंने, बाकी आपके सामने ये। और शादाब ने भी आज अच्छी जो है बॉलिंग करवाई। तो फिलहाल ये था हमारा स्कोर शीट, और मतलब हमारी भी नहीं पाकिस्तान की। फिलहाल आज का जो टॉपिक था, ब्लॉग था, वीडियो थी, जो भी थी, हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।